नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो जीवों के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं, जब कभी हम वर्गीकरण में इन जीवों का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कुछ जीवों के लक्षण किसी अन्य वर्ग के तो कुछ लक्षण किसी अन्य वर्ग के होते हैं, और हमारे सामने दुविधा खड़ी हो जाती है कि हम इन जीवों को किस वर्ग में किस समूह में रखें। तो चलिए, आज के हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम है संयोजक कड़ी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि संयोजक कड़ी क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, संयोजक कड़ी के कौन कौन से उदाहरण है और संयोजक कड़ी का विकास में क्या महत्व है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही डायग्राम के माध्यम से हम इन संयोजक कड़ियों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक संयोजक कड़ी। जीवों के वर्गीकरण के समय कुछ ऐसे जीव भी आते हैं, जीवों के वर्गीकरण में कुछ जीव ऐसे भी आते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक वर्ग के तथा कुछ लक्षण दूसरे वर्ग के होते हैं, कुछ लक्षण दूसरे वर्ग से समानता प्रदर्शित करते हैं। ये जीव या जीव जातियां दो वर्ग के बीच में सेतु का कार्य करते हैं, दो समूह के बीच में ये ब्रिज का कार्य करते हैं। ऐसे ही जीवों के समूह को संयोजक कड़ी कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण में कुछ ऐसे जीव भी आते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक वर्ग के तथा कुछ लक्षण दूसरे वर्ग से समानता प्रदर्शित करते हैं। ये जीव या जीव जातियां दो वर्गों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, इन्हें जीव जगत की संयोजक कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। अगर हम कनेक्टिव लिंक की बात करें तो कनेक्टिव लिंक्स में जैसे वायरस जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, युगलिना पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है, प्रोटीरो स्पॉन्जिया प्रोटोजोआ तथा पोरिफेरा के बीच की संयोजक कड़ी है, पेरिपेटा जो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, नियोपाइलिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है, वहीं पर बेलेनोग्लासस जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की संयोजक कड़ी है, लंग्स फिश में जैसे प्रोटोप्टेरस नियोसिरेटुडस लेपिडोसायरन आते हैं, ये मछलियों एवं उभयचर के बीच की कनेक्टिव लिंक है। वहीं पर लेटिमेरिया जिसे लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, ये मछलियों एवं उभयचर के बीच की कनेक्टिव कड़ी है। साथ ही प्रोटोथीरिया के सदस्य जैसे आर्निथोरिंकस प्लेटीपस को डगबेल्ट प्लेटीपस भी कहा जाता है, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कनेक्टिव लिंक है। इसके अलावा बहुत से अन्य प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो दो समूह को बीच में आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संयोजक कड़ियों का महत्व क्या होता है। संयोजक कड़ी जो है यह दो जीवों के विकास क्रम को बताता है, यह जीवों के विकास क्रम को बताता है, यह दो वर्गों के बीच में संबंध को स्थापित करने का कार्य करता है, साथ ही जीवों के वर्गीकरण में सहायता करता है, जीवों के लक्षणों को समझने में यह सहायता करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि संयोजक कड़ी क्या है, उनके कौन कौन से उदाहरण है और उनका क्या महत्व होता है। अब हम चित्रों के माध्यम से इन संयोजक कड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चित्र के माध्यम से संयोजक कड़ी। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिव लिंक। युगलिना पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी। प्रोटोरो स्पॉन्जिया प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच की लिंक। इनोमाइसिटिस बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की कनेक्टिव लिंक। नियोपाइलिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक। बेलेनोग्लासस इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की लिंक। प्टेरिक्स रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की लिंक। लंग फिशेस पिसीज और एम्फीबिया के बीच की लिंक। एरिया मत्स्य और उभयचर के बीच की लिंक। काइमेरा उपास्थिमय तथा अस्थिमय मछलियों के बीच की लिंक। क्लब मास ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक। साइकस टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक। इटम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक।
हॉर्नवर्ड्स, प्रोटिस्टा तथा ब्रायोफाइट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक। मिक्सोमाइसिटिस, प्रोटिस्टा तथा फंजाई के बीच की कनेक्टिव लिंक। मोरिया, एम्फीबिया तथा रेप्टिलिया के बीच की कनेक्टिव लिंक। इकाइनोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा के बीच की कनेक्टिव लिंक। और एनिलिडा व मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक। स्फिनोडॉन, एम्फीबिया तथा रेप्टिलिया के बीच की कनेक्टिव लिंक। प्रोटोथीरिया के सदस्य, रेप्टिलिया और मैमल्स के बीच की लिंक। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। नमस्कार।